हेलो एवरीवन, वेलकम टू शबिस्ता खान किचन। आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी चिकन पॉपकॉर्न। चिकन पॉपकॉर्न के लिए हमने चिकन लिया था जिसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लिया है। अंडे, ब्रेड को हमने मिक्सी में पाउडर बना लिया है। ऑयल, मैदा, अरारोट, जिंजर गार्लिक पेस्ट, दही, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर, रेड चिल्ली, सॉल्ट। सबसे पहले हम बाउल ले लेंगे। बाउल में ये हमें एक अंडा डालना है। अंडा हमें एक ही लाना है। उसमें डालेंगे मसाले, नमक, मिर्च, अमचूर पाउडर, जीरा पाउडर। इसको मिक्स कर लेंगे। इसमें डालना है जिंजर गार्लिक पेस्ट। दही और ये चिकन के पीसेस जो हमने छोटे छोटे काट के रख लिए थे, इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। ये हमारे चिकन के पीसेस मिक्स हो चुके हैं। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। ये हमने ढक दिया है, इसको हम फ्रिज में रख देंगे 10 मिनट के लिए। चिकन हमने रख दिया है फ्रिज में 10 मिनट के लिए। हम ये अंडे फोड़ लेंगे। अंडे निकाल लिए हैं, इसको हम फेंट लेंगे। अंडे फिट गए हैं। अब हम बाउल लेंगे, इसमें ये अरारोट डालेंगे और ये मैदा, इसको हम मिक्स कर लेंगे। मैदा और अरारोट हमने मिला लिया है। अब इसको हम आधा निकाल लेंगे। आधा हमने निकाल लिया है, इसको साइड में रख देंगे। दूसरा बाउल लेंगे, उसमें हम ये ब्रेड का पाउडर डाल लेंगे। ब्रेड को हमने इसमें डाल लिया है। अब हम फ्रिज में से भी चिकन के पीसेस निकाल देते हैं। पीसेस को हम देख लेते हैं। देखिए हमारा मैरिनेट हो गया है। अब इसका एक एक करके हम सारे पीसेस को मैदा और अरारोट में डाल लेंगे। ये हमने पीसेस डाल लिए हैं। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसको हम इस तरह से मिक्स करेंगे हिलाते हुए। ये हमने मिक्स कर लिए हैं, देखिए हमारे काफ़ी अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। हमें इस तरह से निकालना है ताकि हमारा मैदा और अरारोट अच्छे से निकल जाए। ये हमने छान लिए हैं, इसको हम इस प्लेट में निकाल लेंगे। इसी तरह से हमें ये बाकी के पीसेस भी मिक्स करने हैं। ये हमारे सारे चिकन के पीस मिक्स हो गए हैं। इसको हमने मिक्स कर लिया है अरारोट में और मैदे में। अब हम ये अंडे लेंगे, इसको हमें एक एक करके अंडे में डालना है। ये सारे चिकन के पीसेस हमने इसमें डाल दिए हैं अंडे में। अब इसको हम ढक कर मिक्स कर लेंगे। अंडा हमने मिक्स कर लिया है। इसको हम खोल कर बाउल लेंगे, इसमें ये सारे पीसेस को छान लेंगे ताकि ये सारा अंडा, एक्स्ट्रा अंडा हमारा निकल जाए।
ये अंडा हमारा छन चुका है, अब हम इसको डालेंगे प्लेट में, इसको फैला लेंगे पीसेस को। हमने फैला लिए हैं, अब इसको एक एक करके ब्रेड ब्रेड में डालेंगे जो हमने पीस लिए थे। चिकन के पीसेस हमने इसमें डाल लिए हैं और इसको हम ढककर मिक्स कर लेंगे। ये हमारे मिक्स हो चुके हैं, अब इसको हम निकाल लेंगे, प्लेट में हम निकाल लेंगे एक एक करके सभी पीसेस को। इसी तरह से हम सारे पीसेस को मिक्स कर लेंगे, जैसे हमें पीसेस डालने हैं। चिकन के पीसेस को हमने ब्रेड के चूरे में मिक्स कर लिया है, अब इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। ऑयल हमने पहले से गर्म होने रख दिया है, इसमें हम एक एक करके पीसेस डालेंगे। इसको हम मीडियम गैस पर सेकेंगे। चिकन पॉपकॉर्न हमारे फ्राई हो रहे हैं, देखिए इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। चिकन पॉपकॉर्न हमारे देखिए बन चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, इसको हम निकाल लेंगे। गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं, अब इसको हम सर्व कर लेंगे। चिकन पॉपकॉर्न हमारे बन चुके हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। इसको आप रेड चटनी के साथ खाइए, इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।